हेलो फ्रेंड्स, आज तक रसोई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी पचौनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं इसे बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको धोने की वीडियो मैंने बनाई हुई है, देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बकरे की पचौनी ली है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। गैस चूल्हे पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम पचौनी को डाल देंगे। पचौनी डालने के बाद इसमें हम पचौनी की चर्बी को भी डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। हल्दी और नमक को डालकर इसमें हम ढक्कन लगाकर इसको 6 से 7 सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। जब तक पचौनी हमारी उबल रही है, इसके मसाले को तैयार कर लेंगे। मसाले में मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्च, 2-3 तेज़पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की। इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसे में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी। इसको डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। मसाले हमारे पीस चुके हैं, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम फिर से ग्राइंडर जार में 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज को डालकर इसको भी हम पीस लेंगे। सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। इधर कुकर में भी 5 से 6 सीटी लग चुकी है। अब हम इसके गैस को निकाल कर इसको ढक्कन हटाकर पचौनी को हम निकाल लेंगे। पचौनी को निकालने के बाद इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पचौनी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम फिर से चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। गैस चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स खड़ा गर्म मसाला। थोड़ी देर बाद इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। थोड़ी देर चटकने के बाद अब हम इसी में डालेंगे 1 बड़ी साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को डालकर इसको हम चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसी में डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसको डालकर हम चलाते हुए इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद ये अच्छे से भून चुका है, इसमें से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसी में डालेंगे मसाले, जिसको मैंने पीसा हुआ था, भी डालकर इसको हम थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद यह भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मीट मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं या कढ़ाई में अच्छे से चिपकने लगे हैं। अब हम इसी में डालेंगे पचौनी। पचौनी को डालकर इसको हम चलाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। पचौनी को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुका है या अच्छे से भून चुकी है या कढ़ाई में अच्छे से चिपकने लगी है। अब हम इसी में डालेंगे पानी। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालिए, जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए। यहाँ पे पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पचौनी हमारी उबली हुई है। अब हम इसी में डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक को डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। पचौनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाकर इसको चलाएंगे। बहुत ही बढ़िया पचौनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर इसको ढककर छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पचौनी हमारी बनकर तैयार हुई है। यह देखने में ही कितनी बढ़िया और लाजवाब लग रही है, खाने में तो और भी टेस्टी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, देसी तरीके से पचौनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी बढ़िया और लाजवाब लग रही है, खाने में तो और भी टेस्टी है। आप एक बार मेरी तरह पचौनी बना के खाइए, यकीन मानिए आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।